हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग से एक रेसिपी लेके आई हूँ। वो पम्पकिन की सब्ज़ी की रेसिपी है। पम्पकिन, पम्पकिन की मतलब हिंदी में जो हम लोग मीठे लव बोलते हैं इसका, तो इसको पम्पकिन को हम लोग कट लिया है, छोटा छोटा पीसेस में हम लोग कट लिया है। और इसके इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोग को जो मसाले चाहिए वो भी हम रेडी कर दिए हैं, आप लोग आपको अभी दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लिया है एक प्याज, एक कटा हुआ प्याज मैंने लिया है, और लिया है 6 छोटा छोटा चिली, वो हम लोग सेंटर से कट कर दिया है, चिली को ऐसे कट करके रखा है। और इसके लिए हम लोग लिया है थोड़ा जीरा और हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच चिली पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और हम लोग टेस्ट के लिए डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसको फ्लेवर के लिए हम लोग डालेंगे ये तेज पत्ता बोलते हैं, ये तेज पत्ता, और टेस्ट के हिसाब से हम लोग डालेंगे नमक। तो अभी हम लोग ये बनाने की के लिए जाते हैं। तो हमें गैस में एक कढ़ाई बैठा दिया, तो उसमें अभी, सॉरी दोस्तों, और इसमें चाहिए 2 चम्मच तेल, तेल भी मैंने ले। अभी ये कढ़ाई गर्म हो गया और अभी मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। दो चम्मच तेल गरम करने होने के लिए हम लोग छोड़ेंगे। अभी तेल भी गरम होने लगा है, हम इसमें डालेंगे अभी जीरा। तो आप भी देख सकते हो जीरा भी, जीरा की कलर भी ब्राउनिश कलर का जैसा हो रहा है। अभी हम डालेंगे इसमें तेज पत्ता, नेक्स्ट हम डालेंगे ग्रीन चिली, साथ में डालेंगे कटा हुआ जो प्याज रखा था, प्याज, जब तक प्याज लाल हो जाता है तब तक हम लोग को प्याज को फ्राई करते रहना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो प्याज का कलर भी चेंज हो गया, और अभी इसको तो हम अभी इसमें डालेंगे हम लोग पम्पकिन की सब्जी। अभी मैंने पम्पकिन की सब्जी को भी डाल दिया, तो अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, आप देख सकते हो, इसमें पम्पकिन की सब्जी के लिए मैं 2 चम्मच नमक डाला है। 2 चम्मच नमक डालने के बाद अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम लोग सभी मसाले डालेंगे। मसाले सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर,
एक चम्मच चीनी और एक चम्मच चिली पाउडर, हम लोग पहले भी बोली थी मैंने, जो दो चम्मच चिली पाउडर। अब डालेंगे हम लोग धनिया पाउडर दो चम्मच, अभी मसाला हमने डाल दिया है, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से अभी हम लोग मिक्स कर दिया। मिक्स करने का बाद 30 से 40 सेकेंड के लिए हम लोग इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि 30 से 40 मिनट ढकने का बाद इसमें थोड़ा पानी निकल आएगा। पानी निकलने के लिए हम लोग इसको थोड़ा 20 से 40 सेकेंड के लिए इसको ढक के रख देंगे। 30 से 40 सेकेंड के लिए हम लोग ढक के रख दिया। और अभी आपको बताना चाहती हूँ, जो हम लोग गरम मसाला जो था हमारा, वो अभी मैंने नहीं डाला है, वो लास्ट में हम लोग डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हो गरम मसाला यहीं पे है, हम लोग वो ख़त्म, जब सब्जी हम लोग का बन जाएगा तब हम इसको डालेंगे। अभी आप लोग देख सकते हो 20-30 सेकेंड हो गया है, अभी इसमें पानी निकलना भी शुरू हो चुका है। अभी इसको हम ढक्कन हटा देंगे और देख सकते हो कितना अच्छा खला रहा है सब्जी में। देखो अभी थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलना शुरू हुआ है, पानी निकल रहा है। अभी इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसी तरह उसको फिर से ढक के रख देंगे और धीमी आंच में रखेंगे 10 मिनट के लिए। हम लोग धीमी आंच में इसको रखेंगे, तब तक ये पक जाएगा अच्छे से और हमारा सब्जी भी बन जाएगा। इसी लिए हम लोग 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक के रख देंगे धीमी आंच में। मैं धीमी आंच किया, अभी मैं इसको बंद करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए। ढक लिया, 10 मिनट हो चुका है, अभी हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ढक्कन हटाने के बाद देखिए हमारा सब्जी भी तैयार हो गया है। तो अभी इसमें हम डालेंगे वो जो गरम मसाला रखा था, गरम मसाला। तो गरम मसाला डाल दिया, तो अभी अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे गरम मसाला डालने के बाद। मेरा सब्जी बनके तैयार हो चुका है, अभी इसको हमको ढक के रख देंगे। और जब हमारा रोटी बन जाएगा, रोटी के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इसको हम राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और आप लोग ये वीडियो देख के, आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तो गुड बाय दोस्तों।